हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल थिंकर्स में आज हम पढ़ेंगे मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट को। इनके क्या व्यूज रहे एजुकेशन से रिलेटेड, क्या इनका सफ़र रहा, ऑल्दो बहुत छोटा सफ़र रहा, इनका 38 साल की ही जिंदगी थी, 38 साल की उम्र में ही इनकी डेथ हो गई थी। और बट इन्होंने बहुत सारे काम किए, अच्छे काम किए, बुक्स लिखी और बहुत सारी चीज़ें की जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। सो अगेन वेरी ब्यूटिफुल लेडी एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाई मी रवीना। अगर आपको वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप इनकलकेट लर्निंग को कर दीजिएगा। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, तो हम इससे पहले अगर एजुकेशनल थिंकर्स में फीमेल की बात करें तो हम दो फीमेल को पढ़ चुके हैं। फर्स्ट थी सावित्री बाई फूले, ठीक है, और दूसरी जो हमने पढ़ी वो थी नेल नोडिंग्स, ठीक है जी। अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो देख लीजिएगा। सो अगर मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की बात करें तो ये इंग्लिश राइटर थी, मॉडर्न फेमिनिस्ट, फिलोसोफर और फीमेल राइट्स की वकालत करने वाली लेडी थी। लंदन में इनका जन्म हुआ 27 अप्रैल 1759 में। शी यूज टू चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ सच कॉन्फ्रेंसेस। सो ये उन अथॉरिटीज को चैलेंज करती थी जहां पे भी कोई वुमेन राइट्स के अगेंस्ट बोलता था या एंटी वुमेन नॉर्म्स अगर कोई बनाता था तो ये उनके अगेंस्ट आवाज उठाती थी। शी वॉज कंसिडर्ड टू बी द फोर रनर ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट एंड मेजर फिगर इन फेमिनिस्ट फिलोसफी। सो फेमिनिस्ट मूवमेंट की फोर रनर इनको माना जाता है कि हाँ फीमेल के राइट्स के लिए बात करती थी ये, और मेजर फिगर माना जाता है जब हम फेमिनिस्ट फिलोसफी पढ़ेंगे तो हम मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट को हमेशा पढ़ेंगे। उनकी एक बहुत फेमस बुक थी विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, और ये बहुत इतनी फेमस थी कि मतलब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी से पूछा जाता है। सो ये बुक किससे रिलेटेड है या किसने लिखी है ये आपको पता होना चाहिए कि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जो है वो आंसर रहेगा। और ये कब लिखी थी ये उन्होंने, जब ये उनका रिएक्शन था, ये बुक एक तरीके से रिएक्शन था जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ और एक एडमंड बुर्क जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के इंसान थे उन्होंने जब उसको क्रिटिसाइज किया फ्रेंच रिवॉल्यूशन को, सो उसके क्रिटिसिज्म के रिएक्शन पे जो है ये बुक लिखी गई थी। और ये रिपब्लिकनिज्म यानी कि इनके अगेंस्ट जो है इन्होंने यहाँ पे बातें बोली थी। उन्होंने अपना एफर्ट जो है, चाहे वो ऑनर हो या एम्पावरमेंट हो वुमेन के लिए, वो जब तक वो जिंदा रही थ्रू आउट हर लाइफ उन्होंने चालू रखा, कंटिन्यू किया। 38 की उम्र में उनकी डेथ हो गई, लेकिन उनकी डेथ के बाद उनके हस्बैंड गॉडविन ने आर्टिकल्स लिखे किस पे, कॉन्ट्रडिक्शंस इन द राइट्स ऑफ वुमेन, किस उनकी याद में, मतलब उनकी वाइफ का जो काम था जो उन्होंने किया था इतनी कम उम्र में, इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में, सो वो उन्होंने सेलिब्रेट करने के लिए फिर उनकी डेथ के बाद कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं वुमेन राइट्स से रिलेटेड वो आर्टिकल्स जो हैं उन्होंने पब्लिश करवाए। शी वॉज नोन एज ग्राउंड ब्रेकिंग थिंकर और फोर रनर ऑफ मॉडर्न रेसिस्ट मूवमेंट। सो ग्राउंड ब्रेकिंग थिंकर उस टाइम पे 1790s की बात हो रही है ये, ठीक है ना। फर्दर अगर बात करें तो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जो है वो एक रिनाउंड वुमेन राइट की एक्टिविस्ट जो है वो मानी जाती हैं, जिनको वो हु ऑथर जिन्होंने ये बुक लिखी, और इसी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, नाम याद रखिएगा। एक क्लासिक ऑफ रैशनलिस्ट फेमिनिज्म दैट इज कंसिडर्ड द अर्लीस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटीज एडवोकेटिंग इक्वालिटी फॉर वुमेन। तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे इन्होंने काफ़ी बातचीत की इस बारे में कि वुमेन राइट्स जो है वो मिलने चाहिए उन्हें। मेजर वर्क्स की बात करें तो ये थॉट्स आएगा, THOUGHTS, थॉट्स ऑफ द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स, मैरी एंड फिक्शन, मैरी एंड मैरी, द विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन। तो ये बुक्स उन्होंने लिखी, ये काम थे उनके, और इनको जो है आपको ध्यान रखना, स्पेशली जो है विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन को ध्यान रखना है। अगर उनके व्यूज ऑन एजुकेशन के ऊपर बात करें तो उनका कहना था कि एजुकेशन इज एसेंशियल एलिमेंट फॉर द पीपल ऑफ सोसाइटी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एजुकेशन सोसाइटी के लिए और लोगों के लिए, और उन्होंने स्पेशल एम्फेसिस दिया, जो भी उन्होंने नॉवेल्स लिखी, बुक्स लिखी, उनके जो आर्टिकल्स थे उनमें उन्होंने चिल्ड्रन पे, यूथ पे और वुमेन पे जो है वो काफी फोकस किया। और उनका मानना था कि विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन आएगा, ये मैन जो है वो बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। She argued that women is naturally weaker than men. So ये जो है पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कई बार होता है कि हम पॉजिटिव सोचने के चक्कर में अगर कोई नेगेटिव पॉइंट किसी ने बोला है तो हम भूल जाते हैं कि अच्छा इन्होंने थोड़ी ना बोला होगा।
सो ये जो है इन्होंने बोला कि वुमेन जो है वो नेचुरली वीकर होती हैं मेन से इंटेलेक्चुअल बेसिस पे, और इस वीकनेस को ओवरकम करने के लिए प्रॉपर एजुकेशन की जो है उनको जरूरत है, उनको एजुकेशन देनी पड़ेगी। 1700s की अगर बात करें, जिस टाइम ये काम कर रही थी, इनका जन्म हुआ और उसके बाद इन्होंने काम किया, सो गर्ल्स एजुकेशन जो है वो लिमिटेड थी। ऑल्दो एंड ऑफ द 18th century की अगर बात करें तो स्कूल्स खुल गए थे बहुत सारे, बट उनपे भी एम्फेसिस किया जाता था। एम्फेसिस आएगा, ये स्पेलिंग देख लीजिएगा, एम्फेसिस एज ऑन द आर्ट ड्रॉइंग और बेसिक स्किल्स के ऊपर एम्फेसिस किया जाता था। इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया और शॉर्ट टर्म स्कूल्स जो है वुमेन के लिए वो भी ओपन किए। एम्फेसिस इन्होंने दिया किस पे, चाइल्ड्स एमर्जिंग कॉन्फिडेंस पे, कि जब आप एजुकेशन में बात करेंगे तो कॉन्फिडेंस एनहेंस करें, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, सोशल सेटिस्फेक्शन, ये सारी क्वालिटीज जो है वो होनी चाहिए। शी बिलीव दैट विद द मोटिवेशन ऑफ लर्निंग टू रीड विद लॉजिक, एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट एंड हेल्पफुल फॉर पर्सन्स डेवलपमेंट। सो अगर आप बिलीव, वो मोटिवेशन में बिलीव करते थे कि लर्निंग आप अच्छे से करेंगे, लॉजिक के साथ चीज़ों को पढ़ेंगे, तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और हेल्पफुल है हर एक इंसान के डेवलपमेंट के लिए। सो इफ वी प्रमोट एजुकेशन अमंग वुमेन इन द सोसाइटी, सो उससे क्या होगा कि जो ग्रेट ग्रैंड मदर्स हैं, वाइफ्स हैं, वो एक कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगी सोसाइटी के लिए, नेशन डेवलपमेंट के लिए पॉजिटिवली। ठीक है, सो ये उनके व्यूज रहे। अगर कंक्लूजन की बात करें तो उनका मेजर क्या था कि शी डिस्क्राइब द नीड ऑफ फॉर एजुकेशन, किसके कॉन्टेक्स्ट में, मेन और वुमेन के कॉन्टेक्स्ट में, कि दोनों के लिए ही जरूरी है, ऐसा नहीं है सिर्फ मेन के लिए जरूरी है। शी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन लाइक मैन, की पार्लियामेंट में भी वुमेन को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। शी पेव द वे फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन विच इज फोकस्ड ऑन एनकरेजिंग वुमेन इन द सोसाइटी। सो वुमेन की एजुकेशन पे इन्होंने ओवरऑल काफी काम किया। इनकी जो बुक है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, वो आप याद रखेंगे कि वो किसने लिखी है। दिस वॉज ऑल अबाउट ये जो है वॉलस्टोनक्राफ्ट। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो पूछ लीजिएगा, अगर समझ आ गया है तो बता दीजिएगा कि समझ आ गया है और आप कितने इन्फ्लुएंस्ड हुए इनकी सोच से, वो भी बताइएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।